हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग दो तीन दोस्त थे, बैठे बैठे प्लानिंग किए कहीं घूमने चलते हैं, तो हम लोग को लास्ट में फाइनल में डिसाइड हुआ कि हम लोग चिड़िया टापू घूमने चलेंगे। अभी 20 दिन के बज चुके हैं 10, कहो गए हैं हम काफ़ी लेट, जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हम लोग को पोर्ट ब्लेयर से 25 किलोमीटर दूर जाना है जहाँ चिड़िया टापू है, और ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ट्रैकिंग करके हम लोग 3 किलोमीटर जाएंगे, मुंडा पहाड़ देखेंगे और सुसाइड पॉइंट देखेंगे, आपको भी हम दिखाएंगे, एंजॉय कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं कि जी आपका बिना समय गवाए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग NH4 पर हैं। NH4 से होते हुए चिड़िया टापू घूमने के लिए जा रहे हैं। NH4 अंडमान के इकलौता नेशनल हाईवे है जिसकी लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। हम लोग चिड़िया टापू कंपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी खड़ी करके चिड़िया टापू के अंदर जाएंगे। गाड़ी खड़ी कर दिए हम लोग, अब चिड़िया टापू के अंदर जा रहे हैं। एंट्री पॉइंट है ये, सामने आपको पुलिस का, फॉरेस्ट पुलिस का केबिन दिख रहा था। देखिए कैसे लकड़ी पेंटिंग हो रही है। यहाँ सुनामी के टाइम पे बहुत सारे लकड़ी जो थे दूसरे दूसरे आइलैंड से, बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ जो बह के आ गए थे, तो उनको मोटे मोटे जो उनके तने थे उनको काट काट के बैठने के लिए टूरिस्ट को बनाया गया। देखिए कैसे काट काट के पेंटिंग करके बनाया गया बैठने के लिए। चिड़िया टापू का बीच आपको दिख रहा है सामने, यहाँ पर अभी कोई आदमी नहीं दिख रहा है। पता चला है कि यहाँ पे क्रोकोडाइल आया करते हैं, कभी कभी यहाँ क्रोकोडाइल देखा गया है, इसलिए यहाँ लोग कम आते हैं घूमने के लिए। एकदम क्लीन पानी है यहाँ के समुद्र का, पूरा क्लीन पानी है। लोग कहते हैं कि यहाँ क्रोकोडाइल देखा गया है, चलिए दिखेगा तो अच्छी बात है। अभी हम लोग ट्रैकिंग करेंगे 3 किलोमीटर लगभग और मुंडा पहाड़ जाएंगे, और वहाँ पे सुसाइड पॉइंट भी है, सुसाइड पॉइंट देखेंगे, मुंडा पहाड़ देखेंगे जो साउथ अंडमान का सबसे लास्ट पॉइंट है। अभी हम वो लोग वहीं चल के जाते हैं, 3 किलोमीटर है लगभग यहाँ से। देखिए कैसे पुराने पुराने जड़ दिख रहे हैं, जो पुराने पुराने पेड़ों के जड़ हैं जमीन के ऊपर आ गए हैं पूरे। हम लोग लगभग 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं, सामने कुछ दृश्य दिख रहा है, पहले यहीं जाते हैं हम लोग। चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसा दृश्य है। वाओ, समुद्र बहुत पास से दिख रहा है यहाँ पे। चलिए हम लोग समुद्र के किनारे पे जाते हैं, पत्थर है, पत्थर के ऊपर जाकर आपको एकदम क्लीन पानी है उसको हम दिखाते हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है, देखिए एकदम नीला समुंदर दिख रहा है, विशाल समुंदर है। अब आगे की ओर रास्ता तय करते हैं और मुंडा पहाड़ जाएंगे,
मुंडा पहाड़ से होते हुए साइड पॉइंट भी आपको हम दिखाएंगे। सामने चिड़िया टापू लाइट हाउस दिख रहा है, चिड़िया टापू लाइट हाउस बंद है, ये गेट खुलता नहीं है। इसके ऊपर सोलर से लगा हुआ है जिसके थ्रू ये चलता है। देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस लाइट हाउस के बारे में। लाइट हाउस है समुद्र में, जो बड़े बड़े शिप चलते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, इंडिकेशन के लिए लाइट हाउस बना रहता है। अब हम लोग सुसाइड पॉइंट लगभग पहुंचने वाले हैं। देखिए क्लीन समुद्र दिख रहा है, यही है सुसाइड पॉइंट। बहुत ही विशाल समुंदर, 100 मीटर 200 मीटर लगभग नीचे पूरा नीला समुंदर दिख रहा है। लोग यहाँ से सुसाइड कर लिया करते हैं शायद, इसीलिए इसको सुसाइड पॉइंट बोला जाता है। देखिए समुंदर कितना नीला है, बहुत ही नीला है, बहुत ही अद्भुत आसमान, क्लीन आसमान में जैसा आपको नीला आसमान दिखता है उसी प्रकार नीला समुंदर, दूर दूर तक पूरा नीला नीला दिख रहा है। देखिए हमारा फ्रेंड्स एक अलग हाय बोल रहा है, मुंडा पहाड़ के लास्ट छोर पे खड़ा है। हम भी जाते हैं अभी, अभी रास्ता से बहुत पतला रास्ता है। सुनामी के टाइम पे ये मुंडा पहाड़ जो है थोड़ा सा बचा हुआ रास्ता, लगभग कटने ही वाला था लेकिन थोड़ा सा बच गया। लास्ट छोर है ये, साउथ अंडमान का जो साउथ अंडमान है उसका लास्ट एंड पॉइंट है। मैप में आप देखेंगे ना तो सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा दिखेगा थोड़ा सा, वही पार्ट है ये। देखिए एकदम पतला सा रास्ता है जाने के लिए। मुंडा पहाड़ और सुसाइड पॉइंट देख चुके, अब हम लोग रिटर्न जाते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बीच के चारों ओर जो नेट का बैरिकेड देख रहे हैं, एक्चुअली में ये बैरिकेड जो नहाना चाहे समुद्र के अंदर वो नहा सके इसलिए लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्रोकोडाइल कई बार आ चुके हैं, उनके डर के कारण ये बैरिकेड लगाया हुआ है कि लोग डरे ना और आसानी से नहा सकें।